मैं 25 साल से बहुजन समाज पार्टी में एक अनुशासित सिपाही की तरह और माननीय श्री रामचंद्र राजभर जी लगभग 35 साल से एक अनुशासित सिपाही की तरह पार्टी के प्रति निष्ठावान होकर कार्य कर रहे थे। सोचिए फैसले की उस घड़ी में क्या गुजरी होगी जब अपनी सियासत के आधार जिस डीएसपी को उन्होंने अपने खून से सींचा, तो इन पर क्या बीती होगी रामचल राजभर और लालजी वर्मा, जिन्होंने सियासत के अखाड़े में बीएसपी को बीएसपी बनाया। लेकिन आज इनका विश्वास सपा पर उमड़ रहा है। 7 नवंबर को अम्बेडकर नगर में आयोजित होने जा रही सत्ता परिवर्तन जनादेश रैली के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को न्योता देने आए हैं। इसी रैली में अपने समर्थकों के साथ औपचारिक रूप से सपा में शामिल भी होंगे। कुर्मी समाज से आने वाले लालजी वर्मा अंबेडकर नगर की कटहरी सीट से और राजभर समाज से आने वाले रामचल राजभर अकबरपुर सीट से विधायक हैं। दोनों ही नेताओं को कभी बसपा प्रमुख मायावती का बेहद करीबी माना जाता था, लेकिन अब अखिलेश के विश्वास पात्र बन गए हैं। बीजेपी के खिलाफ अपनी रणनीति से हल्ला बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रामचल राजभर और लालजी वर्मा जैसे ही दिग्गज बसपाई सपा में आए हैं, बल्कि ऐसे बसपाइयों की संख्या सैकड़ों में है। तो ऐसे में सवाल उठता है, वह बीएसपी चीफ मायावती के सुकून को छीनना चाहते हैं? क्या बीएसपी टूट गई है? क्या बीएसपी प्रमुख मायावती को अखिलेश से दुश्मनी भारी पड़ी है और ये सब इसी का परिणाम है? अब इसे समझने के लिए साल 2019 जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के तुरंत बाद मायावती ने जिस तरह से एक तरफा एसपी के साथ अपने गठबंधन को तोड़ने का फैसला सुनाया था, उसकी कसक कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के भीतर आज भी मौजूद है। अखिलेश यादव को लगता है कि जो गठबंधन का फायदा उन्हें मिलना चाहिए था वो उन्हें नहीं मिला। मायावती ने गठबंधन का फायदा भी उठाया और उन्हें नकार भी दिया। अब इस वजह से विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दलित समाज से भावनात्मक रिश्ता कायम रखने को उन्होंने पार्टी में बाबा साहेब के नाम से वाहिनी बना डाली। वो दलित समाज को ये संदेश देने की कोशिश में है कि उनकी तरफ से कोई धोखा नहीं हुआ। शिकायत तो उनकी तरफ से होनी चाहिए थी क्योंकि उन्हें एक भी सीट का फायदा नहीं हुआ। वह मायावती को अलग रखकर समाज से अपना रिश्ता बनाए रखना चाहते हैं। वैसे अगर अतीत पर नजर डालें तो पता चलता है कि दलित समाज के साथ सामाजिक समीकरण बनाने की समाजवादी पार्टी की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही है। 6 दिसंबर 1992 के घटनाक्रम के बाद धार्मिक उन्माद के बीच बीजेपी से मुकाबला करने को मुलायम सिंह यादव और काशीराम ने पहली बार गठबंधन का फैसला किया था। इसके जरिए दलित पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम समाज को गोलबंद करने की कोशिश हुई थी। पहली बार में ही यह गठबंधन सत्ता तक भी पहुंच गया था, लेकिन भरोसे के संकट ने इसे 1.5 साल भी चलने नहीं दिया और करीब 2.5 दशक ये समीकरण अविश्वास की नाव में ही हिचकोले खाता रहा। 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जब एसपी बीएसपी दोनों को ही अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने की चुनौती दिख रही थी, तो उन्होंने 2.5 दशक पुरानी दुश्मनी को खत्म करने का फैसला किया था। ये उम्मीद की जा रही थी कि नए सिरे से परवान चढ़ा यह गठबंधन ज्यादा स्थायी होगा और यूपी की राजनीति की नई कहानी भी लिखेगा, लेकिन इसके जरिए फौरी का फौरी लाभ लेने की ख्वाहिश के नतीजे आते ही इसका गला घोट दिया गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में एसपी बीएसपी के बीच अघोषित समझौता था कि लोकसभा चुनाव में मायावती को आगे करके चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के चेहरे को समर्थन करना होगा। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही विधानसभा चुनाव के लिए अपने दावेदारी खत्म करने को बीएसपी तैयार नहीं हुई। कुल मिलाकर देखें तो मायावती ने अखिलेश से वादा खिलाफी की, जो वादा किया था उसे ध्वस्त करके रख दिया। अखिलेश उसे शायद अब तक भूल नहीं पाए, जो ज्ञान मायावती ने गठबंधन तोड़ते वक्त सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को दिया था, सपाइयों को सहेज कर रखने की नसीहत दी थी। अखिलेश ने तो उसे सहेज कर मजबूत कर लिया, लेकिन ज्ञान देते देते मायावती ने शायद अपने घर पर ध्यान नहीं दिया। नतीजा ये हुआ, उनसे बीएसपी के पुराने धुरंधरों का मोह भंग हो गया। वो एक एक कर पार्टी को छोड़कर सपा के दामन को थाम रहे हैं। ऐसा लग रहा है अखिलेश से दुश्मनी मायावती को भारी पड़ रही है। ऐसा लग रहा है बीएसपी अब सिर्फ नाम के लिए है, असल में वो टूट चुकी है।